अरे हमने तो क्या सपने देखे थे कि हमारी शादी होगी, फिर पार्टी होगी और हम खूब नाचेंगे, खूब झूमेंगे। लेकिन अब नागिन किसी और की हो गई, और वो देखो यहाँ मैं हूँ, यहाँ महादेव है और वहाँ पूल पार्टी हो रही है। जरा देखिए आ गई हरी नागिन, ग्रीन शिमरी ड्रेस पहनकर, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर। वो सच में हरी नागिन ही लग रही है, क्योंकि टीवी की इस खूबसूरत नागिन की शादी के अगले ही दिन सुबह हो रही है दोस्तों के साथ पूल पार्टी। यहाँ मौनी के साथ सारे यार दोस्त मस्ती में खूब झूम रहे हैं, तो मौनी के पतिदेव सूरज भी गोवा वाले स्पेशल शर्ट और शॉर्ट पैंट में खूब थिरक रहे हैं। जरा मौनी के खास दोस्तों को देख लीजिए, सबसे ज्यादा मजे लूटते हुए नजर आ रहे हैं अर्जुन बिजलानी और उनकी धर्म पत्नी। क्या कहना चाहेंगे अर्जुन, मतलब शुरू एक दोस्त का फर्ज कहते हैं ना, बड़ा पुराना रिश्ता है, क्या कहना चाहेंगे जी? आप बोलिए, मैं पहले एक बार आप प्लीज। सूरज को बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल से बधाइयाँ, कि उसका सपना था जो आज पूरा हो गया। I'm just very very happy for her as a friend. एक दोस्त हमेशा अपने दोस्त की खुशी ही चाहता है, और हमें सबको बताया कि मोनी के लिए शादी कितनी इम्पोर्टेंट थी। ऑलवेज ड्रीम की मेरा लहंगा ऐसा होगा, मैं ऐसी दिखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, एंड फाइनली वी कैन सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर एंड वी आर ऑल द बेस्ट, लकी टू बी पार्ट ऑफ हर वेडिंग। तो यहां मोनी के ग्रीन ड्रेस के साथ मैच कर रही हैं मंदिरा बेदी, और वो भी खुशी से झूम रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। और जरा देखिए कौन आया है इस पूल पार्टी में शामिल होने के लिए। ओहो, आमना शरीफ भी शामिल हुई हैं, जो यहाँ पार्टी का भरपूर मजा ले रही हैं। आई थिंक मैं मोनी को बहुत सालों से जानती हूँ, एंड आई लव हर इमेंसली, एंड आई कुडंट बी हैप्पी, शी इज गेटिंग मैरिड। ओके राहुल, गो फॉर इट, कम ऑन। आई थिंक वी सो ग्लैड दैट यू फाउंड अ पर्सन लाइक सूरज। एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्स हर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड आई ब्लेस देम विद ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, एंड आई जस्ट लव देम। अरे इस पार्टी में लड़के वाले और लड़की वालों के बीच एक खेल भी हुआ, और फिर खूब नाच गाना। यहाँ हर कोई हर पल को यादगार बना रहा है, और इन यादों को मोबाइल में फोटो खींचकर संजोना चाहता है, क्योंकि ये जमाना है डिजिटल का, सोशल मीडिया का, तो फोटो खींचना तो बनता है बॉस। सूरज नामदार की जिंदगी में चांद सा रोशन चेहरा लेकर मौनी रॉय दस्तक दे चुकी हैं, और यही वजह है कि अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूल पार्टी यहाँ पर चल रही है, सारे लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और हर कोई उनकी खुशियों में, सूरज और मौनी की खुशियों में शामिल है। यहाँ पर जो दोस्त हैं वो सभी लोग अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके लिए ये दुआएं कर रहे हैं, ये कामना कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बरकरार रहे। कैमरामैन सादिक शहजादे के साथ खलील सुलमानी, गोवा।
CBP News आपको रखे आगे। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं मेरी सुनहरी नागिन को लक्ष्मी की तरह घर में लाऊंगा, मैं उसका ऋषि बन जाऊंगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, ऋषि ने लक्ष्मी को धोखा दिया था, लेकिन यहां तो लक्ष्मी ने ऋषि को यानी कि नागिन ने नागराज को धोखा दे दिया। मुबारक हो लक्ष्मी को, एक नई नौकरी मिल गई है। जी हाँ, गहनों की दुकान पर अब लक्ष्मी नौकरी करेगी। अब जिस दुकान में वो नौकरी कर रही है, उस दुकान में जरा देखिए किसने एंट्री मारी है। अब ये मलिष्का ही तो है जो आई है गहने खरीदने के लिए। अब वो क्या है ना, ऋषि ने कह दिया है कि वो जल्द ही मलिष्का से शादी करेगा, जिसकी खुशी में वो यहाँ पर मंगल सूत्र खरीदने आई है। अब उसने लक्ष्मी को देखा तो वो सोचने लगी कि चलिए कुछ खुराफात करते हैं। फाइनली एक ज्वेलरी स्टोर में काम मिला है लक्ष्मी को, और वो बहुत ज़्यादा अभी जितनी परेशान थी जॉब को लेके कि क्या होगा, तो फाइनली अब उसे जॉब मिल गई है। और आज उसका पहला दिन है जॉब का, तो थोड़ी नर्वस है, घबराई हुई है, क्योंकि आज से पहले कभी उसने जॉब की नहीं है। तो कुछ नया देखने को मिलेगा लक्ष्मी को भी और ऑडियंस को। और उधर ऋषि ने भी लक्ष्मी का नाम सुन लिया है, तो उसे भी पता चल जाएगा कि इस दुकान में लक्ष्मी नौकरी कर रही है। लक्ष्मी, अब लक्ष्मी के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है, क्योंकि वो जिन जिन लोगों से दूर भागती है वही लोग उससे टकरा जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो ऋषि को भूल जाएगी, हर कदम पर उसे याद तो आता ही रहेगा। तो ये कुछ नया सफर है जो ऋषि और लक्ष्मी दोनों का ही है, तो देखते हैं अब भाग्यों ने कैसे मिलाते हैं। अब लक्ष्मी, इसी को तो कहते हैं कहानी। एक कहानी में तो हीरो हीरोइन से मिलेगा ही ना हमेशा। मुंबई से सुरभि रण सिंह और रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। मैंने सोचा था कि नाग और नागिन छोटे 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 सपोलों को जन्म देंगे, उनमें से एक चीकू जैसी छोटी सी नागिन भी होगी। लेकिन चीकू तो दूर रह गई, उसकी होने वाली मम्मी भी मेरे से दूर हो गई, और मैं रह गया अकेला। चीकू की मम्मी तो दूर थी ही, अब चीकू भी अपनी मम्मी से बहुत दूर हो गई है, क्योंकि चीकू अपनी याददाश्त जो भूल गई है। अब ये चीकू चीकू नहीं है, बल्कि आर्ची खेतान बन गई है। हमारी आर्ची हलवा खाएगी। वो चीकू जोशी थी, अब तो वो आर्ची खेतान है। जी हाँ, मिलिए चीकू के नए परिवार से। इस परिवार ने चीकू से ये कहा है कि उसका नाम आर्ची है। तो वहीं चीकू के पापा भी हैं, जिनका नाम समीर खेतान है। उसकी एक दादी भी है। हाँ, दादी आपने खाओगी? एक बाइट मेरे हाथ से।
बस बेटा। चीकू से ये कहा गया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। उसकी याददाश्त चली गई है, चोट लगी हुई है चीकू को। भूल चुकी है अपनी याददाश्त भाई, हम कोशिश कर रहे हैं इसकी याददाश्त आ जाए, इसकी टांग ठीक हो जाए, थोड़ा चले फिरे अपने आप। परेशान कर रखा है इसने हमें। अब चीकू को क्या पता है, क्योंकि वो तो सब कुछ भूल चुकी है, तो जो उसका नया परिवार कह रहा है ना, उसे ही सच मान रही है। अब याददाश्त भले चली गई हो, लेकिन उसकी शैतानियां अभी भी नहीं गई है। अब चीकू को हर दिन इंजेक्शन लगता है, इसीलिए उसे पता था कि आज भी लगेगा। अब उसने कितनी चालाकी से इंजेक्शन को छुपा दिया और उसके बाद शुरू हो गई चीकू की शरारत। आज क्या शरारत की है चीकू ने? आर्ची ने आज इसने कहा इंजेक्शन ही मुझे लगाना। हाँ, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे सच में भी लगता है। और इंजेक्शन तो मैं छुप गई अलमारी में, और फिर अलमारी से पहले एक वो तो जहाँ टेबल के नीचे। हाँ, इनका पियानो मैंने तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूट पाया। अब कोई तो बात है, आखिर इस परिवार ने चीकू को झूठ क्यों कहा, क्यों उसे अपने घर में जगह दी? अब कोई न कोई बात तो है, इस बात का पता चीकू तो नहीं लगा सकती है, लेकिन हाँ नूपुर आएगी ना, वो जरूर लगाएगी, क्योंकि नूपुर को ये पता चल गया है कि चीकू जिंदा है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के कि उसने किसी बड़े से बिजनेसमैन से शादी कर ली। अरे हम नाग हैं नाग, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी है क्या? लेकिन फिर भी मैंने बोला था, उससे वादा किया था कि पंड्या स्टोर वालों का स्टोर है ना, वैसा ही स्टोर हम खोलेंगे, मिलकर काम करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे और हमारे छोटे छोटे सारे सपोलों को हम पालेंगे। लेकिन नहीं, वो छोड़ गई, चली गई दुबई। ब्रदर की रसोई से भाई लजीज खाना बना है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा परिवार मिलकर इस लजीज खाने का आनंद उठा रहा है। अब भी ये खाना कैसा भी बना हो, लेकिन माँ के लिए तो सबसे स्वादिष्ट होगा, कुछ ऐसा ही लग रहा है सुमन माँ को देखकर। तो वहीं देव और शिवा ने सबके लिए खाना परोसा, तो धरा भाभी ने कहा कि ऋषिता और रावी के लिए भी प्लेट लगाओ। रावी हम सबके साथ नहीं बैठकर खाना खाएगी। अब ये दोनों वहाँ से निकल गए। इतने में धरा भाभी को लगा कि कहीं ये गुस्से से तो नहीं गए, लेकिन आपको बता दे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए, सब दोबारा शांति से बैठ गए और खाना खा रहे हैं। गोम्बी ने हलवा तो बनाया है, लेकिन हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। गोम्बी, गाजर के हलवे में नमक कौन डालता है? अरे कोई बेवकूफ भी होगा जो डालेगा, मुझे क्या पता। तुम लोग हलवा चख के बताओ ना कि कैसा है। कोई बात नहीं, आज नमकीन हलवा खाएंगे। हलवा इतना नमकीन था, ओहो हो, इतना नमकीन गौतम भाई। देखिए, मैंने पूरी कोशिश और शिद्दत से हलवा बनाया, लेकिन क्या है ना कि अबे ऐसा समंदर से पानी लेकर आए थे, कंफ्यूजन हो गया। वो पिसी हुई चीनी को मैंने नमक समझ लिया,
कंफ्यूजन होता है होता है होता है, उम्र हो रही है, उम्र हो रही है ना। तो वही इस डाइनिंग टेबल पर एक खुशखबरी भी मिली। खुशखबरी ये कि रिशिता का जो प्रोजेक्ट था ना, वो उसके बॉस को बहुत पसंद आया और उनकी डील क्रैक हो गई। अब उसके बॉस ने एक और नए डील की जिम्मेदारी उसको दे दी है। क्या कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ मम्मी, जिस प्रोजेक्ट में मैं लीड कर रही थी ना, उसकी डील हमने क्रैक कर दी है। कुछ नहीं बनाया, सारा मुस्तफा भाई ने बनाया, लोग आज हमारी मेल टीम ने किचन में जाके इम्प्रेस करने के लिए हमारी घर की लेडीज को घर पे खाना बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने तबाही तबाही फैलाई है, देख सकते हो आप, मिर्च नमक, और हम इन्हें नमकीन खाना खिला रहे हैं, नमकीन हलवा खिला रहे हैं, और वो भी गोम्बी के हाथों का बना। बेसिकली जिस सब्जी में नमक होना चाहिए उसमें नमक नहीं है, हलवे में जहाँ मीठा होना चाहिए वहाँ नमक है, सब इधर उधर। कोई बात नहीं, अगला हफ्ता भी आएगा प्लीज। और राशन नहीं वेस्ट कर सकते हम राशन वाले गिराने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि राशन वेस्ट करते जाए। ये खुशखबरी सबको पसंद आई। अब रिशिता की बातों से सब खुश हैं, तो वहीं रावी को शिवा और सुमन माँ तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, यानी कि अब इनके बीच जो नफरत थी वो अब फिर से आ जाएगी। ये प्यार कैसे होगा बाबा, ये तो भाई कैसे पता चलेगा। झगड़ा इन दोनों का चल रहा है और एक शिवा रावी का चल रहा है। अब झगड़ा तो देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता है। झगड़ा ना करे तो किस बात के पति पत्नी है। डायलॉग ये बहुत अच्छे से बोल पाएगा ये। शादीशुदा हम नहीं बोल पाएंगे, जान दे। तूने बोला मुझे कि तुझे लगता है ऐसा, ऐसा है नहीं। खैर हमें तो धरा भाभी से उम्मीद है। धरा भाभी इस बार आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। फिर मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महादेव, ये कैसी है चाहते हैं? हमने आपके सामने कसमें खाई थी, हमने कितना डांस किया था और साथ में मिलकर हमने क्या किया था? हाँ, हमने हमारी चाहतों की बातें की थी, भूल गए आप? अरे वो भूल गए लेकिन आप भी भूल गए। ये कैसी है चाहते। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो भाई काम वाम तो नहीं, लेकिन हाँ लूडो जरूर खेल रहे हैं आज रुद्र, प्रिशा और रूही, और इनका साथ युवराज भी दे रहा है। जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता है तो हम सब भी लूडो खेलते हैं। बचपन में भी तो कुछ ऐसा ही खेला करते थे ना। इन छोटी छोटी चीजों को देख कर सच में बचपना तो याद आ ही जाता है। अब रुद्र और रूही को ही देख लीजिए ना, दोनों बाप बेटी हैं, इसीलिए इनकी आदतें भी एक जैसी है। प्रिशा कितने प्यार से कभी रूही को देखती है तो कभी रुद्र को देखती है।
उसे तो लगता है कि उसकी जिंदगी में उसे सब कुछ दोबारा मिल गया है। अब रुद्र को देखिए कितनी गहरी नींद में है, बस वो बेड से नीचे गिरने ही वाला था कि प्रिशा ने उसे थाम लिया है। अब प्रिशा इतना प्यार करती है रुद्र को कि वो नहीं चाहती है कि रुद्र की नींद टूटे, इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ तो वो भी झेलेगी। अब इनके प्यारे से परिवार को नजर लगेगी युवराज की, क्योंकि युवराज तो सोचता है कि रूही और प्रिशा को लेकर कहीं दूर चला जाए, लेकिन रुद्र के होते ये मुमकिन नहीं है। और अब तो रुद्र की माँ भी रूही से मिल चुकी है। युवराज की किस्मत ही ख़राब है, मतलब वो कुछ प्लान करता है, कुछ सोचता है और कुछ उल्टा ही हो जाता है उसके साथ, पर हार नहीं मानता है वो तो। हाँ, इस वक्त वो रुद्र को तो गेम तमाम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब रूही भी उसके साथ हो गई, रूही को हमेशा रुद्र ही चाहिए, तो अब युवराज पहले ही सोच रहा है कुछ क्या करे आगे। रूही अब इन सब की जान बन चुकी है। तो भाई युवराज, तुमने जो भी प्लानिंग की थी ना के रूही और प्रिशा के साथ रोहतांग चले जाओगे, देखिए ऐसा हुआ तो नहीं। खैर, अब कुछ और प्लानिंग करते रहिए आप, तब तक रुद्र, प्रिशा और रूही एक लंबी ड्राइव करके आएंगे। मैं सोच रहा था कि मेरे पास टाइम है, मेरे पास चांस है, मैं रूही और प्रिशा को लेकर जाऊंगा रोहतांग, बड़े मजा करेंगे हम लोग तीनों साथ में गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव में, लेकिन वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब किसने किया फ्लॉप वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने फ्लॉप किया वो जरूर पे करेगा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर नागिन ने नाक को छोड़कर इंसान से शादी कर ली तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना रिश्ता निभाऊंगा। वो चाहे अपने आप को भूल गई हो, मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं हमेशा प्यार करता रहूंगा, ताकि ये दुनिया कहे कि ये रिश्ता प्यार का कहलाता है। अक्षरा, इन दोनों का परिवार तो अब अलग अलग हो गया, तो अब ये मत समझना कि परिवार अलग अलग हो गया है तो अक्षरा और अभिमन्यु भी अलग हो जाएंगे। होने तो भाई कोई भी अलग नहीं कर सकता है, फिर अनजाने में ही सही इनकी मुलाकात क्यों ना हो, ये बार बार मिलते रहेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे और एक दूसरे को तसल्ली भी देंगे, जैसे कि अभिमन्यु दे रहा है। बिल्कुल मत डरो अक्षु, मैं बिल्कुल फूल की तरह मासूम हूँ, सबके लिए खुशियाँ हैं तुम्हारे पास, सबके लिए खुशबू है, लेकिन तुम्हारे हिस्से में सिर्फ कांटे। तुम चिंता मत करो, हम मिलके एक एक कांटा निकालेंगे। अब परिवार इतना रूठा है कि ये दोनों उनके सामने मिल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, जल्द ही मकर संक्रांति का महोत्सव होने वाला है, ऐसे में दोनों परिवार भिड़ेंगे आपस में, लेकिन सिचुएशन को संभाल लेंगे अक्षरा और अभिमन्यु। तो कहिए आप सब तैयार है ना इन सब की पतंगबाजी में ढेर सारा ड्रामा देखने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।